नमस्कार दोस्तों, आप गुड मॉर्निंग, सुबह का मेरा नमस्कार। आप लोगों को एक बात बताने जा रहे हैं, बड़ी इम्पोर्टेंस और खबरदार जो आपके कान में फट जाएंगे और कानों से धुआं निकलने लगेगा। बात ये है कि आज हमारे बड़े गांव में टिंडा सामने लिया बड़ा सा, जिससे ये जो हमारी क्रेने लगी हुई है ना, उसके मालिक है। इसलिए हमारे फूफा ने हमको दान में सब दे दिया ये सब बार दाना। और आप लोगों को हम ये बता रहे हैं सिस्टम के आधार पर कि बड़े गांव में लंबा सा पुल तैयार होगा, जिससे आप लोगों को दर्शाया जाएगा ये चीजें कहां से जा रही है, कहां से आ रही है। आपको दुनिया की सबसे बड़ी सुरंग बनाई जा रही है यहां पर। इससे आप घुसना है, एंट्री करना है, तो आपको कोई ढूंढ नहीं सकता। तो आप लोग अगर सुरंग देखना है तो बड़े गांव प्रेमपुर में आ जाइएगा और ये हमारा तबाखरा देखिएगा। यहाँ पर बड़े इम्पोर्टेंस मशीनें आ चुकी हैं जो विदेश से अभी अभी मंगवाई गई हैं। छोटे छोटे बच्चे लगे हैं, सबसे बड़ा टेंडर इनको दिया गया बच्चों को, क्योंकि बच्चे मन के होते हैं सच्चे। कसम अपनी आत्मा की झूठी जो गलत बोल रहे हम। नमस्ते दोस्तों, बड़ी सच्ची खबर, आज हमारे गांव में बड़ा फिल्टर सा काम किया जा रहा है। आओ तुम्हें दिखाएं, ये जो रेलवे डिपार्ट है ये हमारे बाबा ने बड़े सोच के हिसाब से हमारे नाम कर गए थे। आज वो संपत्ति जो आई हुई है का निवारण करने के लिए आज हम यहाँ पर आए हुए हैं। बड़े सोच समझकर हमने अपने मूड में दिमाग आया, सोचा कि चलो देश की तरक्की में कुछ किया जाए। आओ तुमको अपनी मशीनें दिखाते हैं। देख रहे हैं, हमने 80 लाख की खरीदी थी 2017 में, 2025 में रे सन बदलते रहते हैं, इसलिए सन बदलते रहते हैं कि लोग घबराएं मत। आज इसकी कीमत है 10 करोड़ रुपए है, 10 करोड़। ये मत सोचना कि हम नंगे टहल रहे हैं, ये मत सोचना, आपकी कंफ्यूज में आपको भी खरीद सकते हैं हम। तुम क्या समझे हो, मतलब इससे मतलब टहले हुकुम ले लिया हमको, ये सच बात है। ए बुआ सही बताओ, तुम्हारे पप्पा करेगी नहीं, ये मजाक कर रहा, मजाक के मूड में है, तुम क्या समझो। ए लौंडे चार यू नो कहां जा रहे हो, एक चला जाओ, उधर खा गए जाएंगे थोड़ा मशीन का। आए पटरा खत्म है क्या, आओ इधर थोड़ा उधर भी आओ। नहीं आप, ये बड़ी ट्रैफिक ट्रेन है, अगर आपको अपने घर में अपनी खटिया टुरवाना हो, घर टुरवाना हो, मकान टुरवाना हो, तो ये संपर्क करें हमसे, हम संपर्क में रहेंगे आपके। और जिसको लूल लूल करवाना हो, हार्टिंग करवाना हो, हड्डियां करवाना हो, तो ये हमारा मैनेजर है, मैनेजर को दिखाइए, ये मैनेजर है, ये आपकी तोड़फोड़ बहुत तेज करता है, आपकी नसों में पानी भर देता है, गर्मी आ जाती है, चाले उठ जाते हैं। और इसके बारे में इसकी खासियत बहुत अच्छी है, इम्पोर्टेंट, इसकी मरम्मत तांबे और चमड़े से बनी हुई है मशीन, इसमें नंबर एक की धातु लगा आर स्टर्न, ये धातु बड़ी तमीज से खरीदा गया हुआ है, ये तमिलनाडु केरल से मंगाए जाते हैं नए नए पर्सन। और आप लोगों को हम ये कहना चाहते हैं कि आप सिस्टम जितना तगड़ा बनवाएंगे आपके काम करवाएंगे। अगर आपके घर में प्लास्टिक का घर बनवाना है तो ये हमारे हाँ इधर संपर्क में रहना, तो प्लास्टिक का घर बनेगा तो बन जाएगा ना, आओ बोगो ठीक है ना। अब इन्हें इसको गाड़ी जाना और उधर सामान मचा के खिल्ला से आ जाना, तुम मुझे
ठीक है ना, चलो तो ठीक है भाई साहब, आपको हम इसी तरीके से अपनी संपत्ति को दिखाएंगे। बाबा राम रहीम से ज्यादा तरक्की हमने की है, वो तो साले ऐसे ऐसे पैसा कमाया। अरे हम ऐसे पैसा नहीं कमाया, हमने अपनी खून पसीने और ठार धार द्वारा पैसा कमाया हुआ है। हमने ये अपनी खून बेच, कब छोटे थे ना 5 साल के, तो हमने अपना खून बेच कर ये मशीन खरीदी है। अरे लौंडे के हट, अरे लौंडे का कह रहे तुमको नहीं कह रहे हैं, आप देख रहे हैं, इसीलिए बोल रहे हैं कि हल्ला मत मारिएगा, क्योंकि यार यहाँ पर सिस्टम है, भाईचारा मोहब्बत बढ़ रहा है। वो क्या जिंदगी में शेरवानी, अच्छा आजकल के लौंडे नीचे चलिए थोड़ा धरा जाओ, नहीं मार दे तो नालम की योजा सीधा इतनी दूरी, क्या मैं खून हमारा खौलत जाता है। हाँ तो भाई साहब इस बच्चे पर मत जाना, ये बच्चा बड़ा शरारती है, ये जब छोटा था ना तो 4-5 कुत्ता उनका मर्डर कर दी थी। अरे अरे बात सही है, देख लो गर्दन तो हिला रहा है। इसी बात पर आपको इसी तरीके के चकमेदार वीडियो दिखा जाएंगे और सेक्शन नहीं दिखा जाएंगे, क्योंकि यहाँ के संपत्ति हमारे सिलेंडर को दिखा थोड़ा भैया, उधर घुमा मैडम, ये बड़े भैया हमारे चाचा है, इन्होंने अपनी हजमेर कर ये मेहनत को, अभी मशीन तैयार नहीं हुई है फुल तरीके से, जब तैयार होगी ना आपके बाप के मुंह खड़े हो जाएंगे। तरक्की की जमान आ जा रहा भैया, और इसके बहुत चकमंदी है। ये हमारे नव युवक हैं, ये जो रेलवे फाटक में बना रहे हैं, ये हमारे चाचा बड़े बुजुर्ग ही हैं, इनकी उम्र 185 साल है। ये मरते इसलिए नहीं है कि ये अमृत खाकर पैदा हुए हैं, और ये हमारे बड़े भैया अमृत भैया, ये बड़े भैया एक विशाल, इनका नाम है प्रदीप भैया, प्रदीप कुशवाहा है, इन्होंने ये पुनारा काम हो गया। तो बच्चे लोग आप हमें मनोरंजन मत समझना, वीडियो को पूरा एंड तक देखना, आपकी शरीफत जितने आपने आज तक अपने जितने गलत काम किए हैं सब इसी में उतार देना। ये मशीन इलेक्ट्रॉनिक यंत्र है, ये बिजली से नहीं चलती है, जिसका नया पॉइजन विदेश से मंगाया जाता है। पॉइजन का मतलब होता है फिल्टर, ये नए तरीके से फिल्टर से बनी हुई है, ये थारू दार गाड़ी है। आप अगर संपर्क करना हो, खरीदना हो, ये गाड़ी बिचका हुआ है, आज इसलिए बेच रहे हैं हम कि हमारे पास, हमने सरकार से 80,000 का लोन लिया था, लोन हमारा कैंसिल हो गया है, इसलिए हम अब गाड़ी बेच दे रहे हैं, ये पूरा टेंडर बेच दिया यार। इसलिए आपसे कहना है कि देश में रहना है तो देश की तरीके से रहना है, बाकी तो जिंदगी की आकृति तो सबकी है। एडवांस नहीं, ज्यादा नहीं बोलने का, फेंक दे के नाले में गिरो जाके। इसलिए आप लोगों को बहुत तरीके से बनाया गया, तेरी सारी गलियां मेरी हो गई आज से। हमारा वीडियो अच्छा लगे लगे तो भरपूर से लाइक करना, वरना जय बाबा कबड्डी। बड़ा भैया मस्त, कहाँ से बड़े भैया, कहाँ से हो भैया? आजमगढ़ से। आजमगढ़ से, मैंने तुम्हारा पूरा टेंडर था यहाँ पर काम करने का, हो गया पूरा जितना गया। चलो ये हमारे बड़े भैया हैं,
ये इस गाड़ी को हम चलाते हैं रात दिन एक कर कर चलाते हैं, ठीक है ना। तो आप लोग हमारी तरह ऐसे ही वीडियो आपको डालते रहेंगे, आप हमारा मनोरंजन लेते रहेंगे।